अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब यूट्यूब ब्लेंडर सीख लो में आज हम सीखेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे बनाते हैं। आज मैंने सोलर सिस्टम बनाना सीखा है, तो मैं वो उसकी वीडियो बना रहा हूँ, आप भी सीख लीजिए। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं। यहाँ लाते हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश खुलेगा, उसमें हम लाएंगे यूवी स्पेयर और इसको थोड़ा सा यहीं रहने देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसको हम कर लेते हैं, सबसे पहले सब डिवीजन सरफेस में गए हम यहाँ पर, और इसको हमने तीन करा, इसको भी तीन करा, और यहाँ से स्मूथ भी कर दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है, सही। अच्छा, इसके ऊपर हम मुझे मैंने एक बंदे को वीडियो देखी थी, उसने एमटीज लगा के इसको घुमाया ना, हम बड़े परेशान रहा, मैं भी बहुत बहुत दिन, कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ कैसे घूमेंगे, सूरज भी घूमे, दुनिया भी घूमे, चांद भी घूमे, और दुनिया अपने मेहर पे भी गर्दिश करे और अपने दिन रात भी बनाए, ये कैसे होगा, इतने सारी गर्दिशें कैसे होंगी। तो मैं बड़ा परेशान रहा। बहरहाल एक साहब को देखा तो उन्होंने एमटीज लगाए, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने अपने तरीके से इसको फिर भी किया बड़े दिमाग लगा के। तो आप भी देखिए कि कैसे शिफ्ट ए दबाएं और कर्व में जाएं, और ये कर यानी गोल वाली जो सर्कल वाली कर्व है ये उठा लें, इसको कहते हैं पाथ। पाथ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और हम इसको इससे पाथ पर घुमाएंगे। तो हमने करना क्या है, हमने सूरज को घुमाना है, तो और हमने इसको पाथ की सेटिंग पर जाना है। तो हम पहले सूरज को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके फिर हम पाथ को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें करना ये है कि हमने कल्ट और पी को दबाना है। कल्ट पी को दबाने के बाद ये पट्टी खुलेगी, इसको इस पर फॉलो पाथ पर क्लिक करना है, और हमारा ऑब्जेक्ट इसके पाथ के साथ फॉलो होना शुरू हो चुका है। अगर हम प्ले करके देखेंगे तो ये हमें ये देखिए घूमता हुआ नज़र आ रहा है कि सूरज इस पर अपनी मदार पर घूम रहा है। इसको वापस रोक दें, इसी को फिर वापस लाएं, और इन दोनों दोनों ऑब्जेक्ट भी हमारे पास सिलेक्ट है, इनको करा शिफ्ट डी, एक और निकाल ली हमने, और एक और शिफ्ट डी, और हमने एक और निकाल ली। अब ये हमारे ज़मीन और ये चांद बनेगा, आ गए। अब दुनिया भी अपने दिन रात बना रही है, चांद के पास की हमें कोई ज़रूरत नहीं इसे। तो हमारा चांद अब छोटा हो चुका है और सूरज हमारा सेट है। अब ये हम इसकी गर्दिश कैसे करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम इन पे टेक्सचर अप्लाई कर लें, इनको कलर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें घूमते हुए कम से कम नज़र तो आए। तो हम चलते हैं सबसे पहले सूरज की तरफ, और इस पट्टी को हम टी दबाकर गलत गायब कर देते हैं, और यहाँ से खोलते हैं एक विंडो, और यहाँ अब हमने जाना है यूवी इमेज एडिटर पर, और इसको हमने करना है टैब दबा के एडिट मोड में, और यहाँ से टेक्चर मोड में, और यहाँ से हमने जाना है पहले साइकिल सिलेंडर और फिर यूज नोट, और यहाँ से हमने जाना है इमेज टेक्सचर के ऊपर, और इस जगह से हमने उठानी है एक इमेज। डाउनलोड पे जाएं, जहाँ आपके कंप्यूटर में पड़ी हो वहाँ जाएं और वहाँ से इमेज लाएं। ये सूरज की इमेज मैंने डाउनलोड करी है, इसे ओपन करें और यहाँ जाके सीधा सीधा यूवी दबाएं, यू दबाएं, और ये पेज आपके सामने खुलेगा, और ये बहुत इजीली आपको दे देगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें तो ये आपको सामने नज़र आने लगा, और नम पैड में पॉइंट का बटन दबाएंगे तो ये सीधा आप यहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पट्टी को वापस कर देते हैं इधर, और हमारा सूरज जो है वो सूरज बन चुका है, टैब दबाए एडिट मोड में, वापस अच्छा लग रहा है बहुत। अगर इसको और अच्छा करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसके अंदर एक और चीज़ हम डाल सकते हैं। अगर इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें एक इसको लैम्प बना दें, एमिशन डाल दें, ये एमिशन आ गया इसके अंदर, अब ये रोशन भी हुआ हुआ है, और इसको एमिशन को चाहें तो थोड़ा सा तेज़ करेंगे तो ये मेरे ख्याल मटेरियल में नज़र आएगा, हाँ मटेरियल में हमें नज़र आ रहा है। अगर इसको तेज़ करना चाहें या कम करना चाहें, मेरे हिसाब से तो ये इतना भी बहुत है ताकि हमें रेंडर में नज़र आए।
ये बहुत अच्छा है, सही है, फर्स्ट क्लास है, इसको वापस आ जाए मटेरियल मोड में। और हमारा सूरज बन चुका है, अब हम जाते हैं अपनी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन का ट्रैक्टर डालेंगे। तो चलें ज़मीन को ट्रैक्टर डाल देते हैं, पी का खोल लें और इसके अंदर जाएं सबसे पहले। और इसको यहाँ से हमने तस्वीर पहले से रखी हुई है, उसका बम भी है और इमेज भी है, ये उठाया हमने और ये डाला, ओपन किया और इसको टैब दबा के एडिट मोड, और एडिट मोड से हम पहले ही यहाँ पर हैं, यहाँ गए, फिर उठाया, फिर इमेज टेक्सचर लगाया, फिर इसको उठाया और यहाँ अब हम यहाँ आ चुके। अभी तक तस्वीर दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि हमने यूवी अनरैप नहीं किया। अब यहाँ ये वाला बेहतर, ये वाला बेहतर है, इसको एक्स पे घुमाया और जी पर आगे किया थोड़ा इधर, और ये आ गया एडिट मोड से बाहर, काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगर आपको इसको रियलिस्टिक बनाना है, बहुत अच्छा खूबसूरत बनाना है, तो इसके अंदर बम भी लग जाएगा, मैं वो बाद में बताऊंगा आपको, पूरी एक डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, बेहतरीन नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल आपको पाथ की सेटिंग बता रहा हूँ, मेरा मकसद दुनिया को बनाना नहीं, तो वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बिल्कुल रियल लगेगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम चांद की तरफ, अपने इस भाई को भी हम चांद की, सही है, चांद की आ चुकी है, इसको बंद कर दें, अब इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये बंद हो गया, और इसको टैप दबाया एडिट मोड से बाहर, चांद तकरीबन लग तो रहा है 14,000, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये सब एक दूसरे से गर्दिश कैसे करेंगे, घूमेंगे कैसे। अभी हजरा हम प्ले कर, अगर हम प्ले करके देखेंगे तो ये देखें, सूरज भी घूम रहा है और दुनिया भी घूम रही है, चांद अपनी जगह पर है। अब ये सब एक दूसरे के गिर्द भी घूमे तो कैसा कैसे होगा ये ऐसा। तो रुकिए, अब हमने इसको अंदर करना क्या है, इसको एक और पाथ लेकर आना है, शिफ्ट ए, ये सर्कल आ गया, इसको हमने एस पे बड़ा कर लिया ज़मीन के बराबर, ये ज़मीन के बराबर आ गया। करना क्या है आपको, अब अगर हम दुनिया को ज़मीन को इस पाथ से फॉलो करेंगे तो ये जो पहले वाला पाथ था ये आपस में नहीं घूमेगा। तो हमने करना ये है कि हम इस पाथ को, इस पाथ से वो कर देंगे, पेयर बना देंगे, कल दबाएं, पी दबाएं, फॉलो पाथ करें, अब देखिएगा क्या होगा, ज़मीन उधर भी घूमेगी और इधर भी घूमेगी, देखें आगे चली गई, देखें अपने मेवर पे भी घूम रही है और पाथ पे भी घूम रही है, ठीक है। इसके मैंने फ्रेम बढ़ाए नहीं है, अगर आप चाहें पाथ की सेटिंग में जाएं, फ्रेम बढ़ा दें, ये वाला पाथ है ना, ये वाला है, ये वाला है, इसकी पाथ की सेटिंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी 140 ठीक हो गया, और यहाँ पर भी 140 140 140 हो गया, अभी बराबर का घूमेगा, ये देखें दुनिया उस पर भी घूम रही है और उधर भी घूम रही है, और अभी पूरा घूम के वापस आएगा ही आएगा, टाइमिंग बढ़ गई इसकी, हम अब वापस आ गए अपनी जगह पर। अब हमने करना क्या है कि हमने इस चांद को दुनिया के साथ घुमाना है असल में। अब करना क्या होगा, इस चांद को हम चाहते हैं ये ज़मीन के साथ घूमे, चांद हमारे पास सेलेक्ट है, तो हमने उसको ज़मीन के पाथ से सेलेक्ट कर देना है, ज़मीन के पाथ से, जो ज़मीन का पाथ था जो उसको उधर घुमा रहा था उससे सेलेक्ट कर देना है, और उसको कर देना है पेरेंट, की पेरेंट कर देना है, अब देखिए क्या होगा, ये देखें अब सब एक साथ घूम रहे हैं, चांद ज़मीन के गिर्द भी घूम रहा है और ज़मीन अपने उस पर भी घूम रही है। वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं बनाऊंगा सिर्फ 50 फ्रेम, सिर्फ 50 फ्रेम लाऊंगा, बहुत देर लगती है, इसका सिर्फ एक ही मसला है रेंडर करने में, ये आपको ना को चने चबवा देगा,
वो जो चबाना नहीं चाहते ना हम लोग, वो चबवाए गए हैं। ये जाएं और यहाँ से आप ये कर लें, एफ एफ वाला ही कर लें चलें। और सही है, इसका पता भी बिल्कुल ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा, मसला कोई नहीं। अच्छा, अब इसको हमने सीधा सीधा एनिमेशन पे मारना है। ऐसी एनिमेशन शुरू हो जाएगी और ये जनाब अली चलना शुरू हो गया और इस तरह आपकी एनिमेशन हो जाएगी। अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो